अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ है इसका नाम है बंटी। उम्र सिर्फ इसकी 12 साल है। ये 8 क्लास में पढ़ता है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, ये महीने का 18 से 20 लाख रुपए कमाता है। किया स्पोर्टिज गाड़ी, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने 75 लाख रुपए की अपने पैसों से ली है। इसके वालिद साहब जो है वो एक बिजनेस किया करते थे छोटा सा। इसने अपने वालिद साहब को घर बिठा दिया और कहा है कि आपने सारी जिंदगी 12 साल मुझे खिलाया, अब अबू मेरी बारी है। अपनी वालदा को इसने उम्रे पर भेजा है, उनको सोने के कंगन बना के दिए हैं, उनको चेन्स बनाकर दिए हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने खोल रखा है जिसमें ये बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये काम करते क्या हैं? बंटी की कहानी बंटी की जुबानी ही सुनते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो जी? मैं 8 क्लास में। तो कितनी इनकम है मेरी? अब कह लें 20 लाख रुपए से मेरी इनकम है। छोटे से 20 लाख का करते क्या हो? कुछ अपने घर के खर्चे होते हैं, मतलब कि सारे यूटिलिटी बिल्स, एवरीथिंग। उम्र पे भी भेजे मैंने अपने माँ बाप को, और इंशाल्लाह मेरा दिल है कि मैं भी इनको हज पे भी भेजूं। वाले साहब करते क्या थे आपके? वाले साहब का छोटा सा बस बिजनेस था हाईवे रिकवरी सर्विस के नाम से। अभी उनको मैंने रिटायर कर दिया है। मैंने कहा अब मैं इतना कमा रहा हूँ, आपने मुझे 12 साल खिलाया है, ठीक है अब मेरा वक्त है, ठीक है आपको खिलाने का। गाड़ी कौन सी खरीदी है? गाड़ी अभी किया स्पोर्टेज खरीदी है जी। कितने के लिए है? 75 लाख रुपए की खरीदी है। तो स्कूल किस पे जाते हो? किया स्पोर्टेज पे ही जाता हूँ। असल में अंडर एज हूँ तो नहीं चला सकता गाड़ी, तो सर ड्राइवर भी रखा हुआ है। बाकी स्कूल के आपके दोस्त हजरात हैं, वो बड़ा आपको हैरत से कि यार ये बंदा गाड़ी पर आता है, हम लोगों के पास तो साइकिल नहीं थी, हम तो कैसे जाते थे, अब्बा जी छोड़ के आते थे। मैं तुमको कह के थक ही क्यों, मैंने कहा जो ई कॉमर्स करो, मगर वो नहीं मानते क्योंकि उनके जो पेरेंट ने नसीहत की, वो कहते हैं कि ऑनलाइन कुछ नहीं है, ऑनलाइन से आप कुछ भी नहीं कमा सकते। मगर मैंने जब उनको प्रूफ दिखाया कि ये ऑनलाइन इतना मैं कमा चुका हूँ, वो हैरान हो गए। ये लिटरली बात बता रहा हूँ, ये 4 से 5 हजार डॉलर मंथली कमाता है। उसके प्रूफ्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमाते कैसे हैं, करते क्या हैं असल में? मेरा बड़ा भाई पहले काम करते थे, ये थोड़ा बहुत जब वो काम करते थे मैं देखता था उनको बैठ के। मैंने एक दिन में लिटरली के एक दिन में मैंने काम सीखा है। यहाँ लोग पूरा महीना लगा देते हैं सीखने में, मैंने सिर्फ एक दिन में। पहली इनकम क्या थी आपकी? पहली इनकम मेरी थी 25,000। क्या किया था उसके? गोलगप्पे दही पे लिखा लिए थे, उसको रोटेट किया मैंने पैसे को, और अब माशाल्लाह से अब हमारी अपनी कंपनी होगी। यार इस उम्र में हम लोग कर रहे होते थे ये बिजनेस में रोटेट कर रहा है फाइनेंस को, इसको सारी चीजों का पता है। 18-20 लाख रुपए तक अब इनकम हो गई है। बड़ा भाई वही थप्पड़ नहीं मारता, खुद ही दे मेरे पैसे। नहीं नहीं, अब बड़ा भाई क्यों थप्पड़ मारेगा, वो खुद कमाता है। आप अगर इतना कमा रहे हो तो वो कितने कमा रहा है, और नाम क्या है उसका, और क्या उसने काम सिखाया आपको? 4 बहन भाई हैं, ठीक है जिसमें अब्दुल्ला भाई ना वो मेरे से काफी बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ घर में। बड़े आप ही लगते हो। बड़े बस 4 बहन भाई हैं जी? जी 4। 6 हैं, 1, 2, 5 वो। अब्दुल्ला भाई की टीम है ई कॉमर्स बाय टीम 86 के नाम से। पहले इनकी एक ब्रांच होती थी, अब वो कराची में भी है, लोअर में भी है, मुझे याद ही नहीं कितनी ब्रांचेस हैं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में बड़े जबरदस्त इनके ऑफिसेज ऑपरेशनल हो चुके हैं, जिसमें ये ट्रेनिंग्स देते हैं। अगर कोई भी शख्स राबता करना चाहे मलिक अब्दुल्ला ऐवान और उनकी टीम से, ये खुद छोटा सा बच्चा भी ट्रेनिंग देता है। और यकीन करें इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसका जो टैलेंट है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ये देखिए कि अभी इंटरव्यू के दौरान ही इसको मैसेजेस आ रहे हैं। ये आईफोन इसने रखा हुआ, आईफोन 15, 8 क्लास में ये पढ़ता है। हमारे पास छैया छैया वाले मोबाइल नहीं थे, दूर लख दी मैं यही कहूंगा। भाईजान, ये छोटे से बच्चे को माशाल्लाह इतना जबरदस्त आपने प्रोटोकॉल दिया, उसका कॉन्फिडेंस, उसका लेवल ही कुछ और है। अगर ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो वो तमाम बड़े बुजुर्ग जिनके पास करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो समझते ही नहीं है डिजिटल बिजनेस को, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? काम करने की कोई एज नहीं होती। अगर आप 20-25 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, इट्स अप टू लाइक कि आप डिजिटल स्किल्स किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। बेसिकली मनी मेकिंग स्किल आप लोगों को आनी होनी चाहिए। कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं हम? तो इस वक्त अमेज़न का कोर्स करवा रहे हैं, ईबे का करवा रहे हैं, शॉपिंग का करवा रहे हैं, इट्से का करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, और इसके कॉम्बोज भी लोगों को बना के दे रहे हैं। 2021 से अभी तक लेकर हम लोगों को काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक मार्केट में दे चुके हैं। मेरे साथ जितने मेरे दोस्त यार अटैच हैं उन तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके पास अपनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, अपने डेली एक्सपेंसेस वो खुद उठा रहे हैं, अपनी फैमिलीज को चला रहे हैं, और एक अच्छा दौर जो है वो माशरे में रहते हुए गुजार रहे हैं। बहुत से टैलेंटेड लोग भी होते हैं, वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है आपके पास जो आके हमारे पास बैठ के काम कर सकते हैं। हम उनको दुकान भी डाल
के देंगे, उनको क्लाइंट भी देंगे, उनको इन्वेस्टमेंट भी देंगे, उनका कल किस तरह बेहतर होगा वो टीम मेडिसिक्स उनको बेहतर करके देगी। अगर आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बिजनेस आपका यूएस में सेट करके देंगे, आपके नाम की कंपनी बना के देंगे। इसी के साथ साथ जो टीम मेडिसिक्स का विजन है, इस वक्त 12 डिफरेंट बिजनेसेस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीम मेडिसिक्स रन करिए, जिसमें हम डिफरेंट लोगों का पैसा इस वक्त मार्केट के अंदर लगा रहे हैं। इस वक्त अगर टीम मेडिसिक्स के 4 ऑफिस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप लोग यही देखेंगे कि गली गली कोने कोने इंशाल्लाह ताला टीम मेडिसिक्स के ऑफिस अवेलेबल होंगे, बच्चों को ट्रेन करने के लिए, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को सेफ करने के लिए। तो हमारी कोशिश यही कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरमाया लेके आया जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ बनाया जाए, आपको बल्क ऑफ मनी बना के देना हमारी जिम्मेदारी है, एज अ स्टूडेंट भी, एज एन इन्वेस्टर भी और एज अ प्रोफेशनल भी, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। कोई बंदा अपने विड्रॉ करवाना चाहता है इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बंदा विड्रॉ करवाना चाह रहा है 3 महीने का हमें नोटिस देता है, पहले तो 18 महीने तक वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जो कि हम उसको बल्क ऑफ मनी बना के देते हैं। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की हम लोगों ने इन्वेस्ट की हुई है, जो कि उनको मंथली अच्छे पैसे, मंथली अच्छे रिटेनर्स, पैसिव इनकम वो अपनी जेब में डाल के लेके जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ होते हैं और वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने अपने बाल सफेद कर दिए हैं इन कामों में, लेकिन मार्केट में उनकी पाकिस्तान में कोई चीज 50 रुपए की सेल आउट हो रही है और इंटरनेशनल मार्केट या मंडियों में उनकी प्रोडक्ट की रसाई नहीं है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां भी सेल आउट करवा सकते हैं, एज ए साइलेंट इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। रावलपिंडी में मौजूद वो तमाम लोग जो इस ट्रेनिंग को हासिल करना चाहते हैं, और खास तौर पर वो लोग जिन लोगों ने 10-10, 15-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अपनी जाया कर दी है ट्रेनिंग्स में, लेकिन उनको कोई अलिफ बे नहीं आई, तो आप मेरी रिकमेंडेशन पर एक दफ़ा जो है इनको भी देख लीजिए, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है वो बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद या लाहौर में आप इनके ऑफिसेज को फिजिकली भी विजिट करना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी टीम्स 24/7 आपके माइंड में आने वाली तमाम क्यूरीज के जवाब देने के लिए पेश होंगी। अपने मेज़बान यासर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।